आज हम सब्यसाची ब्लाउज सीखेंगे। और सब्यसाची ब्लाउज में पैटर्न आप देख सकते हैं, ये हमारी स्लीव्स हैं। सब्यसाची ब्लाउज जब भी आपका इस टाइप से मिलेगा तो आपको कुछ ऐसा ही पैटर्न मिलेगा। ये आपका फ्रंट होगा, ये आपका बेल्ट होगा, और जो साइड में ये वाला पार्ट दिया होता है ये आपके अपर पार्ट और बेल्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो गैप, ये खाली दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये वाले पार्ट को इसके साथ अटैच करना होता है। और आपका जो ये वाला पार्ट है इसमें सेंटर में गैप भी दिया है, यानी कि हमें इसको बैक ओपन बनाना है। ये पैटर्न भी हमें मिला हुआ है और नेक शेप भी हमें दिया हुआ है, और इसी पैटर्न के हिसाब से, इसी शेप के हिसाब से हमें अपना ब्लाउज भी बनाना है। कई बार हमें ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हमारा साइज़ बहुत कम है और हमारा जो ब्लाउज़ में एम्ब्रॉयडरी हो रहा है वो बहुत हैवी साइज़ के हिसाब से हो रहा होता है। तो पहले अपने साइज़ के हिसाब से अपना ब्लाउज़ का पैटर्न एक बार चेक कर लेना होता है। जैसे यहाँ पे आरमोल का शेप दिया है, तो ऐसा हमारा आरमोल का शेप तो आने ही नहीं वाला, हमारा तो साइज़ के हिसाब से आने वाला है, हमारी शेप के हिसाब से आने वाला है। तो हमें अपने नेक को ध्यान में रखते हुए इस ब्लाउज़ को पूरा बनाना है, क्योंकि नेक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों साइड से। बाकी स्लीव्स का लेंथ जितना भी रहेगा उसको हमें नॉर्मली कट करना है। अब देखो इस ब्लाउज़ में हम किस तरीके से पैटर्न कटिंग करेंगे, क्या हमारा साइज़ रहेगा, पहले वो चेक कर लेते हैं। ब्लाउज़ को भी साइड कर देते हैं और अपना मेज़रमेंट चेक करते हैं हमारा मेज़रमेंट क्या है। अभी देखो शोल्डर 13.5, आर्मोल 17, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। फ्रंट क्रॉस 12.5, बैक क्रॉस 14.5, लेंथ 15.5, अपर बस 36, बस साइज 38.5, वेस्ट 32, स्लीव्स लेंथ 10, फिटिंग 12.5, बाइसेप्स 15। अब यही वाले साइज़ के अकॉर्डिंग आपको पहले पैटर्न कटिंग करना है। पैटर्न के लिए आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, कोई भी पेपर ले सकते हो, ठीक है, लाइनिंग ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपका पैटर्न अच्छे से कट हो जाए। मैंने यहाँ पे लाइनिंग ले लिया है। सबसे पहले बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट आपको पता है सभी ब्लाउजेस में नॉर्मल होता है, तो आपको सबसे पहले लेंथ लेना है। हमारी ब्लाउज़ में लेंथ कितना है, 15.5, तो हमें 1 इंच कम करना है बैक में, तो हम लेंगे 14.5। काम में इतना बिजी हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले क्या हो रहा है। 15.5 हमारा फ्रंट पार्ट है, अभी बैक पार्ट में हम ले रहे हैं 14.5। उसके बाद आर्मोल, उसके बाद एपेक्स पॉइंट, इससे 1 इंच ऊपर स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आर्मोल में मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। शोल्डर 13.5, 6.75। नीचे वाली लाइन पर आपका बैक क्रॉस डिपेंड करता है। यहाँ पे आपके सब्यसाची ब्लाउज में बहुत ज़्यादा ओवर डीप नेक नहीं है, नॉर्मल नेक है। एक बार फिर से नेक को कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये नेक के ऊपर ही तो बैक क्रॉस डिपेंड करता है। परफेक्ट ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग बैक पार्ट रेडी किया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे से आपको ऐसे कर्व में मिलेगा। अभी जब कर्व में होता है ना, तो ये हम अपने ब्लाउज में कर्व में बनाते भी हैं जब हैवी साइज होता है। हैवी साइज में क्या होता है, आपका फ्रंट वाला पार्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बस साइज पूरा कवर करना होता है, तो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहेगा। लेकिन वही लोन के हिसाब से अगर आप बैक में बना लोगे तो बैक में तो बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाएंगे,
बैक, इसीलिए शोल्डर ड्रॉप भी होता है क्योंकि वो बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होता। फ्रंट वाला पार्ट बड़ा होता है, बैक में भी ओवर बड़ा हो जाता है। फ्रंट में तो छोटा नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऊपर हाथ करेंगे तो वो ब्लाउज भी ऊपर हो जाएगा और नीचे से फिर स्किन दिखने लग जाती है। तो इसलिए बैक वाले पार्ट में छोटा करने के लिए आप ऐसे कर्व देते हो। तो ये कब देते हो? जब 40 साइज से ऊपर वाला साइज होता है। और ये ब्लाउज बना हुआ भी कितने साइज पे है? 40 से ऊपर वाले साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका एम्ब्रॉयडरी जितना भी हो रहा है, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी ओवर हैवी साइज के हिसाब से हो रहा है कि आपका जितना भी बस साइज है उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो इसमें स्मॉल साइज बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब आपको बैक क्रोस लेना है नॉर्मल, जितना आपका यहाँ पे 6.75 है, हम यहाँ पे 7.25 इंच तक ले सकते हैं। एकदम ऐसे स्ट्रेट भी नहीं रखेंगे, ठीक है। स्ट्रेट कब रखते हैं? जब आपका नेक बहुत ज़्यादा डीप होता है। जब डीप होता है तो अपने आप ही आपका बैक क्रॉस एडजस्ट हो जाता है। अगर बैक क्रॉस कम भी है ना तो भी चलेगा बैक उसमें, लेकिन नॉर्मल नेक में और छोटे नेक में बैक क्रॉस अगर आपका कम हो जाता है तो आपको हैंड आगे करने में प्रॉब्लम होती है, फिर बहुत ज़्यादा खींचता है ऐसे पीछे से। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी आपका जो भी बस साइज है हमारा है 38.5, तो 38.5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो करीब करीब हमारा आएगा 9.75। अब इसमें आपको 0.25 इंच लूजिंग देना है। बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं है लेकिन नॉर्मल है, और फैब्रिक भी हमारा बहुत सॉफ्ट तो नहीं है, हार्ड फैब्रिक है तो लूजिंग तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ 0.25 इंच लूजिंग दिया है ताकि बैक में टोटल लूजिंग हाफ इंच रहे, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे आ गया है 10 इंच। नीचे वाली लाइन पर लेना है बस्ट वेस्ट साइज जो 32 है, तो हमें 8 इंच मिलेगा, प्लस 1 किया तो हमारा आया यहाँ पे 9 इंच। और आपका बैक से ओपन है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा बैक के लिए, अगर फुल डीप होता तो हम नहीं भी लेते। ये आपका साइड है। अब हमें ड्राफ्टिंग कटिंग करना है तो हमें मार्जिन लेने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम मार्जिन ही ले लेंगे। अब आपको इसको स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देना है, शोल्डर डाउन करेंगे। जब कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं तो नॉर्मली आपको आर्मोल की मार्किंग करनी है और यहाँ से चेक कर लेना है 8.5 हमारा कितना है 17, तो ठीक आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होता तो इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके ठीक कर लेते। फॉर्मूला जब यूज नहीं करते तो ऐसे ही करना है। यहाँ पे नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया है। बैक पार्ट के बाद फ्रंट पार्ट कट करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए आपको लेंथ नॉर्मली रखना है जो आपने मेजरमेंट में लिया हुआ है। तो हमारा लेंथ है 15.5। अब 15.5 से हम 15 पे नहीं जाएंगे, 16 पे जा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आपको अपर वाला पार्ट रेडी कर लेना होता है। अगर आपका बेल्ट एडजस्ट नहीं हो रहा है तो उसको हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे कर सकते हैं। पहले आपको अपना फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर लेना है और उसके बाद आपको बैक वाला पार्ट रेडी कर लेना है, या पहले बैक पार्ट रेडी करिए फिर उसके साइज के अकॉर्डिंग अपनी बेल्ट को एडजस्ट कीजिए, तभी आपका फ्रंट और बैक इक्वल रहेगा, नहीं तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट आगे पीछे भी हो जाता है। और सभ्यसाची ब्लाउज में आपका प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी दिया होता है तो एम्ब्रॉयडरी में आपका इस तरीके से छोटा बड़ा कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते।
क्योंकि एम्ब्रॉयडरी आपकी पूरी फिक्स होती है। ठीक है, तो नॉर्मल वाला प्लेन ब्लाउज है उसमें आप बना रहे हो तो उसमें तो आपका छोटा बड़ा हो गया तो कर सकते हो, उसमें तो आपका एडजस्ट हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। 15.5, 5 स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, आर्मोल लेंगे, एपेक्स पॉइंट लेंगे, उसके बाद आपका अंडर बस्ट साइज के अकॉर्डिंग अंडर बस्ट जाएगा 14, 14.5। स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले आपको लेना है शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। नीचे वाली लाइन पे भी सेम लेंगे, बैक रोज थोड़ी एक्स्ट्रा लेंगे, स्ट्रेट करेंगे इसको, शोल्डर डाउन, बस्ट साइज। यहाँ पे देखो आप दो चीजें कर सकते हो, अपर बस्ट का भी यूज कर सकते हो और बस्ट का भी यूज कर सकते हो। वो कैसे? अपर बस्ट 36 प्लस इसमें लूजिंग दे दीजिए। इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है, नीचे वाली लाइन पे बस्ट साइज 38 9.75 आएगा। प्लस लूजिंग इसमें आपका वेस्ट आएगा 32 यानी कि 8 इंच, प्लस आप कितना लेते हो 2.5 इंच तक लेते हो, ऐसे आपको स्ट्रेट लाइन बना देना। सबसे पहले लेंगे एपेक्स टू एपेक्स, जो आपका 38 के अकॉर्डिंग कितना आएगा 3.8, 4 इंच में थोड़ा सा कम। नीचे वाली लाइन पे भी सेम लेंगे। अब आपको दोनों साइड में प्लेट के लिए 1.5 और 1.5 स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से आपको हाफ इंच ऊपर जाना है और यहाँ से ऐसे एपेक्स पॉइंट तक कर्व बनाना है। शेपर का डायरेक्शन चेंज करेंगे, अब एपेक्स पॉइंट से आपको आर्मोल से ये वाली मार्किंग करनी है जो आपने बैक क्रॉस में किया होगा। यहाँ पे आपने लिया 7.5, बैक में आपने 7.25 के आसपास लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बना लेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। इसके बाद आपने ये 1.5 इंच लिया है तो यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे और इस पॉइंट को फिर 1.5 इंच पे मिला देंगे। इस पॉइंट को ऐसे मिलाना है ऊपर वाली साइड,
ये तो आपका बाद में कर्व आ जाएगा जब आप बेल्ट लगाओगे, ठीक है, अभी तो रैंडमली ले रहे हैं ऐसे ही। उसके बाद शेपर ऐसे चेंज करना है और यहाँ से आपको इस पॉइंट से थोड़ा सा गैप छोड़ना है, मतलब ये पूरा इसके ऊपर नहीं मिलाना, या तो आप 1/2 इंच या 0.75 इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे ऐसे। आरमोल हमें कटिंग नहीं करना है अभी, पैटर्न कटिंग कर लेते हैं। इसमें से आपको ये प्लेट निकालनी है, इसमें से आपको ये वाली प्लेट निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक एक बार आप डिस्टेंस चेक कर लें ये कितना आ रहा है आपका, फिर इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो करीब करीब हमारा 7.5 इंच आ रहा है। कितना आ रहा है? 7.5 आना चाहिए, कितना? 8। तो या तो आपको प्लेट में थोड़ा कम करना है, प्लेट में कम किया तो कप साइज में कम होगा, यहाँ पे अपर बस्ट और बस्ट साइज में देखो डिस्टेंस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 इंच का डिस्टेंस है, ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे भी हल्का सा 1/2 इंच बाहर की साइड ऐसे मार्क करेंगे, यहाँ से ऐसे, तो आपका बस्ट साइज तो सेम रहेगा, वेस्ट साइज भी आपके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो आपका पूरा टोटल ये 8 इंच पे ही रेडी आ जाएगा। अब आपको इस पूरी लाइन को ऐसे मिला देना है, ये जो आपने प्लेट कटिंग किया है इस प्लेट को ऐसे, जब तक आप अपनी ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग अपनी बेल्ट को कटिंग नहीं करोगे तो आपकी बेल्ट में प्रॉब्लम आएगी, बेल्ट आपकी सेट नहीं होगी। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से आपका 0.25 इंच अंदर, यहाँ से 0.25 इंच अंदर, यहाँ से आपको उतना ही लेना है जितना आपने यहाँ पे एग्जैक्ट साइज लिया है, 1.5 लिया है तो आपको नीचे वाली साइड में भी 1.5 लेना है, 1.5, 1.5। तो अब इस 1.5 को 1/2 इंच अंदर ऐसे मिलाएंगे, इस 1.5 को 1/2 इंच अंदर ऐसे मिलाएंगे, तब आपका एग्जैक्ट आपकी बेल्ट का साइज आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पार्ट को कटिंग कर लेती हूँ। ये भी आपको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका अपर बस्ट और आर्मोल दोनों में झोल ही आएगा। ये निकालना है, यहाँ से ये निकालना है और यहाँ से ये निकालना है। ये हमारी बेल्ट, ये हमारा ये वाला पार्ट और ये हमारा अपर वाला पार्ट।